जी बेटा लोग, कंपनी लॉन्च चल रहा था हमारा, आई होप आपको समझ आ रहा है। सेकंड चैप्टर चल रहा है बच्चे मेरे, काइंड्स ऑफ कंपनी, जिसमें अब हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कौन सी कंपनी होती है। और उसमें सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट आपका होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, जो अभी मैं हैंडल कर रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे, समझ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। और होल्डिंग कंपनी होती है जिसने दूसरे को होल्ड किया हुआ है, ऐसे सोचने से ना जल्दी समझ आता है, जिसने दूसरी कंपनी को होल्ड किया हुआ है। अब होल्ड किया का मतलब क्या है? कंट्रोल। इसका मतलब है जैसे होल्डिंग कंपनी चाहेगी सब्सिडरी कंपनी वैसे ही चलेगी, क्योंकि उसने उसको होल्ड किया हुआ है, तो वो होल्डिंग है। होल्ड करने वाली कंपनी होल्डिंग हो गई, होल्ड करने वाली मतलब कंट्रोल करने वाली। और सब्सिडरी है, इसका मतलब है वो दूसरे के कंट्रोल में है। इसका मतलब है जो कंपनी दूसरे के कंट्रोल में है, इसका मतलब सब्सिडरी कौन सी हो गई? जिस पर कंट्रोल है या जिसको कंट्रोल किया हुआ है। तो जिसको कंट्रोल किया है वो तो सब्सिडरी है, और जिसने कंट्रोल किया है वो होल्डिंग है। तो एक रफ लैंग्वेज में आपको जरूर समझ आना चाहिए, ताकि आगे की बात समझ आए कि ये होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होता है, राइट? अब इसमें हमें लीगल लैंग्वेज भी सीखनी है सारी की सारी। तो इसमें उसने क्या बोला है, सेक्शन 2 क्लॉज 46 आता है सबसे पहले, कंपनीज एक्ट 2013 प्लीज। दिस इज सेक्शन 2 क्लॉज 46, जिसने बोला होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary. लिख देती हूँ मैं। वो बोलता है holding company in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary company. बोलता है होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ विच, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी ये कंपनी सब्सिडरीज है। इसका मतलब है एक या एक से ज्यादा कंपनीज के रिलेशन में होल्डिंग कंपनी वो वाली कंपनी होती है जिसका इन कंपनीज के ऊपर कंट्रोल होता है, या जो इस कंपनी की सब्सिडरीज होती है। इसका मतलब है एक कंपनी जिसकी सब्सिडरी है, जिसकी वो सब्सिडरी है वो उसकी होल्डिंग है। यही तो बात है कि होल्डिंग जिसने कंट्रोल किया हुआ है, सब्सिडरी जिसको कंट्रोल किया हुआ है, राइट? फिर आया सेक्शन 2 क्लॉज 87, एक्ट, जिसने बोला सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू any other company that is to say holding company means a company avasthi word should ho rahe in which the holding company controls the composition of BOD। पूरी ये लाइन सिखानी है मुझे, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे। कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडी, और एक्सरसाइज और कंट्रोल्स एक्सरसाइज और कंट्रोल्स
मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल. हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल एट इट्स ओन और टुगेदर विद one or more of its subsidiary companies. Yes. आगे भी है, धीरे धीरे चलेंगे ना, ध्यान से सुनिए, सीखते जाइए फिर आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, ये मेन टॉक है. अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी. सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बिल्डिंग. तो सब्सिडरी कंपनी किसी और कंपनी के रिलेशन में वो कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी बीओडी के कंपोजिशन को कंट्रोल करता है. इसका मीनिंग आगे भी डिटेल में दिया है, अभी मैं समझा देती हूँ फिर पढ़ दूंगी. जब वो बोलते हैं इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडी, तो इसका मतलब है कि एक एच कंपनी ने ये होल्डिंग हो गई, एक एस कंपनी में ये सब्सिडरी हो गई, इसका जो बीओडी है इसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को जो होल्डिंग कंपनी है वो अपॉइंट या रिमूव कर सकती है. इसका मतलब इनका मेजॉरिटी बीओडी एच कंपनी के कब्जे में, जिसको चाहेंगे डायरेक्टर बना देंगे, जिसको चाहेंगे डायरेक्टरशिप से हटा देंगे, और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इन्हीं के थ्रू आएंगे. तो डेफिनेटली कंपनी का दिमाग भी कौन होता है, बीओडी. इसका मतलब है जो मैं सिखा रही हूँ आपको कि एच कंपनी ने पूरा कब्जा कर रखा है, वो एस कंपनी को पूरे अपने दिमाग के हिसाब से चलाती है, और उसका तरीका उन्होंने क्या निकाला है, दे कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी. इसका मतलब अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बीओडी को कंट्रोल करती है, बीओडी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है, इसका मतलब है कॉम्पोजिशन मतलब जिनसे वो बीओडी बने, मतलब डायरेक्टर्स, इसका मतलब मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपनी इच्छा से हटा सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं, तो फिर वो एच कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और वो एस कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी. यही उसने लिखा है. आप देखो बोलता है सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी. एक तो तरीका ये है, और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल. अभी जो टोटल शेयर कैपिटल है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इनको जब जोड़ देते हैं तो टोटल शेयर कैपिटल आता है. तो वो क्या बोल रहा है, कहते हैं कि आपने आधे से ज्यादा इनके टोटल शेयर कैपिटल अगर ली हुई है एट इट्स ओन, खुद ही ले ली आधे से ज्यादा, या फिर अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलकर ले ली, तो फिर से आप जिसमें आपने आधे से ज्यादा टोटल शेयर कैपिटल ले ली आप उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाते हो. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एग्जाम्पल से क्लियर होता है. मान लीजिए एक एच लिमिटेड है, एक एस लिमिटेड है, एक एस वन लिमिटेड है. अब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 30% शेयर्स ले हुए हैं, एस वन ने एस लिमिटेड ने 30% शेयर्स ले हुए हैं. तो एस लिमिटेड में 60% का कंट्रोल वो तो एच के हाथ में आ गया ना. क्यों, क्योंकि मैं ये मानकर चल रही हूं कि जो एस वन है दैट इज ऑलरेडी अ सब्सिडरी ऑफ एच. इसका मतलब है अगर S1 सब्सिडरी कंपनी ऑफ H है तो S1 किसके कब्जे में, H के कब्जे में. तो जब S लिमिटेड में कोई भी मीटिंग होगी तो S1 के पास 30% शेयर्स हैं, तो 30% तो वो उनके हिसाब से चलेंगे, 30% वोट S1 के हिसाब S1 के पास है. अब जब S1 जाएगा वोट करने, S1 के डायरेक्टर्स जाएंगे वोट करने, तो जो H लिमिटेड है वो S1 को समझा देगी आपने हाँ करना है या ना करना है, क्योंकि S1 H के कब्जे में है. आई रिपीट कि जो S1 है वो H की सब्सिडरी है,
इसका मतलब जैसे एच बोलेगी वैसे ही S1 करेगी, हाँ तो हाँ ना तो ना S लिमिटेड की मीटिंग में। तो 30% वोट इनडायरेक्टली एच के पास S1 के थ्रू आ गए और 30% तो उसने खुद ही कब्जा कर रखा है शेयर्स पे। इसलिए लॉ ने बोला कि आप और आपकी सब्सिडरी का सबका शेयर मिला के अगर मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल दूसरी कंपनी में हो जाता है तो फिर वो दूसरी कंपनी आपके कब्जे में आ गई, इसलिए वो आपकी सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। देखो अब लैंग्वेज समझ आएगी। वो ये बोलते हैं एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल एट इट्स ओन, अपने आप से उसने आधे से ज्यादा शेयर्स ले लिए, और टुगेदर विद वन आर मोर ऑफ इट सब्सिडरी, या फिर खुद और अपनी सब्सिडरीज ने मिलकर, मतलब खुद ने और उसकी सब्सिडरीज ने मिलकर आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल ले ली, तो भी आप उस कंपनी की जिसमें आपने आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल ली है उसकी आप होल्डिंग कंपनी बन जाते हो और वो आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। इसका मतलब है इस लैंग्वेज के हिसाब से दो रास्ते हैं, एक आप यू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी और यू टेक मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, राइट, आइदर योरसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ योर सब्सिडरीज, राइट। फिर उसके बाद बिल्कुल नोट्स के हिसाब से चलूंगी ताकि एक भी वर्ड मिस ना हो आपका एग्जाम्पल्स देते हुए, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत आसान है, बच्चों वाली चीज कर रहे हैं। अब जरा समझिए वो आगे क्या बोलता है, कहता है प्रोवाइडेड, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ना ये अभी सेक्शन नोटिफाई नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये एरिया नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है समझ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता है प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि जो होल्डिंग कंपनी है सच क्लासेस ऑफ कंपनी और सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव, लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, ये मेन वर्ड है, शैल नॉट हैव लेयर ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, beyond such number as may be prescribed. तो लॉ की लैंग्वेज तो समझ ही सकते हैं ना। अब वो क्या कह रहा है, कहते हैं कि लेयर्स, अब लेयर्स का मतलब ही उसने आगे समझाया हुआ है, लेयर्स का मतलब है कितनी नंबर ऑफ सब्सिडरीज हो सकती हैं आपके पास, पढ़ती हूँ वो लाइन भी आपके लिए कहीं पे लिखी है, लेयर्स, ये रहा डी पॉइंट है नीचे। बोलते लेयर इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज, बस। तो लेयर एक लेयर है मतलब एक सब्सिडरी है, टू लेयर टू सब्सिडरीज, ऐसे हो गया। तो लेयर मींस सब्सिडरीज कितनी है आपकी, राइट। तो वो क्या बोलता है, एच कंपनी शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब है आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि एक कंपनी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सिडरीज से ज्यादा सब्सिडरी नहीं बना पाएगी। अभी ऐसा नहीं है लेकिन समय के साथ नोटिफाई जब हो जाएगा तब हो जाएगा, तब कितनी सब्सिडरीज बना सकते हैं, कौन है जिसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, वो सब आएगा तो समझ आ जाएगा। तो फिलहाल ये कि एक कंपनी जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज ही रख सकती है, राइट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज आता है, इसको भी मैं बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आता है पॉइंट ए, वो ये बोलता है अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू अ सब्सिडरी कंपनी, कि एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी, डीम्ड हो जाएगी, सपोज किया जाएगा कि वो सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी, इवन इफ द कंट्रोल is of another subsidiary company of the holding company. अब देखिए control दो तरीके से आता है, एक composition of BOD जो ऊपर बताया कि उसके majority directors को appoint या remove करने की power, और दूसरा मोर देन हाफ टोटल शेयर कैपिटल आपने ले रखी है। ये दो तरीके से आप कंट्रोल लेते हैं,
अभी ऊपर पढ़ा था हमने पॉइंट नंबर 1 और 2 में। अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि एक कंपनी दूसरे की सब्सिडियरी मानी जाएगी। वन कंपनी सब्सिडियरी कंपनी, वन कंपनी विल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडियरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है हालांकि। इवन इफ द कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडियरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी सब्सिडियरी की सब्सिडियरी भी मेरी सब्सिडियरी। इसको ऐसे सीखो, मेरी सब्सिडियरी की सब्सिडियरी भी मेरी सब्सिडियरी। मैं कौन? होल्डिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सपोज करिए कि एक है S1, एक है S2 और एक है H। अब जो S1 है दैट इज सब्सिडियरी ऑफ H, दिस इज सब्सिडियरी ऑफ H एंड S2 इज सब्सिडियरी ऑफ S1। ये कह रहे हैं हम। अब H जो है वो S1 के ऊपर कंट्रोल करते हैं और S1 जो है वो S2 पे कंट्रोल करती है, तो इनडायरेक्टली H ही है जो S2 को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि S1 के दिमाग के ऊपर कब्जा H का है, तो उसको दिमाग कैसे लगाना है S2 को संभालने में वो H बता देगा। इसलिए कानून ने बोला कि अगर आपकी सब्सिडियरी की कोई सब्सिडियरी है, जैसे S2 S1 की सब्सिडियरी है, तो वो H की भी सब्सिडियरी हो जाएगी। और यही लीगल लैंग्वेज है, वो ये बोलता है कि सब्सिडियरी कंपनी या फोल्डिंग कंपनी होगी इवन इफ द कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। कि अगर वो कंट्रोल एच कंपनी होल्डिंग कंपनी की ही किसी और सब्सिडियरी का है, तब भी वो जिसके ऊपर कंट्रोल है वो एच की सब्सिडियरी कंपनी मानी जाएगी। इसका मतलब सिंपल भाषा, मेरी सब्सिडियरी की सब्सिडियरी भी मेरी सब्सिडियरी। ये S2 S1 की सब्सिडियरी, S1 मेरी सब्सिडियरी, therefore S2 भी मेरी सब्सिडियरी। आई होप आपको क्लियर हुआ है बच्चों वाली चीज थी। उसके बाद देखिए जो बी पॉइंट आता है, वो ये बोलता है द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपनीज BOD। ये वो चीज है जो मैं सिखा चुकी हूँ कि BOD के कॉम्पोजिशन पे कंट्रोल है। इसका मतलब है आप मेजोरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो या फिर आप रिमूव कर सकते हो। सो ही सेज, पढ़ देती हूँ जिससे कि आपको समझ आए। बोलते हैं द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपनीज BOD शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी। डीम्ड का मतलब होता है सपोज किया जाएगा, कि सपोज किया जाएगा कि वो दूसरी कंपनी के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड, ऐसा समझा जाएगा कि वो दूसरी कंपनी के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। कहते हैं द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपनीज BOD शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, ये समझा जाएगा कि दूसरी कंपनी के द्वारा उसके BOD का कॉम्पोजिशन कंट्रोल हो रहा है। If that other company, अगर वो दूसरी कंपनी जो कंट्रोल कर रही है, by exercise of some power, लिखती हूँ आगे, deemed to be controlled by another company, क्योंकि पता नहीं ये वर्ड्स आपको आते कि नहीं आते, if that other company by exercise of some power, ये कौन सी पावर है इसका भी आगे डिस्कशन है। बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एट इट्स डिस्क्रीशन, डिस्क्रीशन अगेन मींस पावर, एट इट्स डिस्क्रीशन, डिस्क्रीशन का मतलब होता है पावर जो उसके कब्जे में है, जो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। एट इट्स डिस्क्रीशन कैन अपॉइंट, अब सिंपल भाषा आगे, कैन अपॉइंट or remove all or a majority of the directors, all or a majority of directors। कि वो क्या कह रहा है, कहते हैं कि एक कंपनी समझा जाएगा दूसरे के द्वारा कंट्रोल हो रही है, if that other company by exercise of some power at discretion can appoint or remove all or a majority of directors। जो जिंदगी करती हूँ कि वो कहते हैं कि समझा जाएगा कि एक कंपनी दूसरे के द्वारा कंट्रोल हो रही है, अगर वो दूसरी कंपनी किसी पावर जो उसकी डिस्क्रिशन पर है, उसकी चॉइस पर है, उस पावर की हेल्प से उसके मेजॉरिटी या सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, तो उस सिचुएशन में उसको सब्सिडियरी माना जाएगा। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो एक्सप्लेनेशन में ही ये बातें लिखी हुई थी, राइट।
फिर उसके बाद पॉइंट सी आता है, कहता है एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल बॉडी। तो वो कहता है कि हम किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं। फिर उसने डी पॉइंट लेयर का मतलब बताया, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सब्सिडरी है। फिर वो बोलता है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। कंपनीज एक्ट को एमसीए संभालती है। कोई आपसे पूछे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी है, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गवर्नमेंट ने बकायदा एक मिनिस्ट्री बना रखी है जो कंपनीज एक्ट को मैनेज करती है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो वो कहता है इस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया था, कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्लैरिफाइड दैट द शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी और पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट, लिख देती हूँ, दैट द शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी और पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट और पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट इन अनदर कंपनी इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड। फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, वो आगे छोटा सा लिखा हुआ है कि होल्डिंग एंड सब्सिडियरी के रिलेशन को समझने के लिए अगर किसी कंपनी ने फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स लिए हुए हैं तो उन शेयर्स को काउंट नहीं किया जाएगा। देखिए बोलता है मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया दैट द शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी, कि अगर एक कंपनी ने शेयर्स लिए हुए हैं या फिर वो पावर एक्सरसाइज कर रही है किसी दूसरी कंपनी में इन अनदर कंपनी इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी, फिड्यूशियरी का मतलब होता है रिलेशन ऑफ फेथ, ऑफ फेथ। इसका एग्जांपल जैसे एक कंपनी जो है वो किसी की ट्रस्टी बन जाती है, ट्रस्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका मतलब है एक कंपनी जो है किसी और के लिए काम कर रही है, ट्रस्टी बन गई, एक ट्रस्ट बनाई जिसमें ट्रस्टी अपॉइंट किया गया कंपनी को, और उस से जो बेनिफिट है वो एक इंडिविजुअल को जाएगा। तो उस केस में अगर कुछ शेयर्स कंपनी के पास हैं एज अ ट्रस्टी, तो फिर उन शेयर्स को होल्डिंग और सब्सिडियरी के रिलेशन समझने के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना एक एच कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी में आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल ले लेती है तो वो होल्डिंग बन जाती है। तो ये जो आधे से ज्यादा शेयर्स हैं इसमें वो वाले शेयर्स नहीं आएंगे जो एच कंपनी ने फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स किसी और के लिए लिए हुए हैं और वो उसका बेनिफिट जो है किसी और को जाता है, उसके पास शेयर्स हैं क्योंकि वो किसी की ट्रस्टी है। तो अगर फिड्यूशियरी कैपेसिटी में एज अ ट्रस्टी कंपनी ने किसी के बिहाफ पे शेयर्स मैनेज किए हुए हैं तो फिर उन शेयर्स को वो होल्डिंग है या नहीं है ये देखने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा। नोट्स में आगे फिर से एक बार और ये बात मैंने लिखी है, तो ये बात दो जगह पे आती है कि जो शेयर्स आप एज अ ट्रस्टी ले रहे हैं या एज इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी ले रहे हैं उनको होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन को समझने के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। उसके बाद देखिए फिर आगे, ये बिल्कुल मॉड्यूल जैसे लिख रहा है, बिल्कुल वैसे समझा रही, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। वो ये बोलते हैं एनी ऑफ द थ्री सर्कमस्टेंसेस। अब वो बोलते हैं हम तीन सर्कमस्टेंसेस आपको बताते हैं जिससे आप समझ पाए, अगर ये तीन सर्कमस्टेंसेस में से कोई भी सर्कमस्टेंस है तो आप समझ जाएंगे कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। तो अब हम तीन सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे हैं जिसमें किस तरीके से होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कायम होता है वो समझाया जा रहा है, ठीक है। तो आई गो स्लो, जस्ट टेक केयर। वो ये बोलता है ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी, कि ए जो है वो सब्सिडरी होगी बी की। इसका मतलब है बी जो है वो होल्डिंग हो जाएगी।
और ए जो है वो सब्सिडरी है, ठीक है. ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी इफ बी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ ए. जो मैंने आपको बताई दिया कि बी जो है वो क्या कर रही है, इट कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ ए. इसका मतलब है वो उनके मेजोरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर रखते हैं, जो बी कंपनी है. आगे लिखा है उसने वही, दैट इज बी कैन विदाउट द कंसेंट और अप्रूवल ऑफ एनी अदर पर्सन. इसका मतलब है जब वो अपॉइंट या रिमूव करेंगे ए के डायरेक्टर्स को, तो उन्हें किसी की अप्रूवल या कंसेंट की जरूरत नहीं है. वो अपने हिसाब से ही कोई भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, राइट. बोलता है बी विल बी डीम्ड टू पोसेस दिस पावर. कि अब ये जो हमने बोला कि उसके पास ये पावर है, तो वो बोलते हैं बी विल बी डीम्ड, मतलब सपोज्ड बी विल बी डीम्ड टू पोसेस दिस पावर, कि हम ये मानेंगे कि इसके पास ये पावर है कि वो उसके बीओडी के मेजोरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करते हैं. ये पावर आई कैसे, तो हम कब मानेंगे. वो कहता है डीम्ड टू पोसेस दिस पावर. फिर उसने तीन पॉइंट्स बनाए. ए पॉइंट, व्हेन दीस पर्सन्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड in that capacity without B's consent. वो बोलते हैं these directors cannot be appointed without B's consent. इसका मतलब है अगर कोई और भी अपॉइंट कर रहा है तो उससे पहले B की consent लेनी पड़ेगी. इसका मतलब है B का कब्जा है, B जैसा चाहेगा वैसे वैसे ही होगा. वो अगर हाँ करेगा तो वो डायरेक्टर अपॉइंट होगा, अगर ना करेगा तो वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा. तो इस तरीके से बी के पास पावर आ गई कंट्रोल करने की. दूसरा, व्हेन देयर अपॉइंटमेंट्स, ये सारा नया लॉ है, व्हेन देयर अपॉइंटमेंट्स फॉलो नेसेसरीली from the appointment as director, from the appointment of director or manager, or holder of any office, in B. इसमें वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर बी कंपनी में कोई डायरेक्टर है तो वो ए का भी डायरेक्टर बनेगा, ऐसा जरूरी है. अगर आप देखें इस तरीके से हो रहा है कि बी में डायरेक्टर बना, बी में मैनेजर बना या बी में कोई ऑफिसर बना, तो वो ए का डेफिनेटली नेसेसरीली वो ए का डायरेक्टर बनेगा ही बनेगा. तो आप समझिए कि बी ने पूरा कब्जा कर रखा है, उसके पास पावर है. इसका मतलब अगर मैं बी कंपनी का डायरेक्टर बन गया तो मैं ए कंपनी का भी डायरेक्टर बन जाऊंगा. तो ये पावर अगर है तो समझ लीजिए कि बी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है. इसका मतलब बी ने उसकी बीओडी की कंपोजिशन पे कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि जो बी में बनता है डायरेक्टर वही यहाँ पे डायरेक्टर बन जाता है, वहां का मैनेजर यहाँ पे डायरेक्टर बन जाता है, क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि ऐसा तय हो रखा है. थिंक अबाउट इट, आई होप यू गेटिंग. तभी वो बोलता है व्हेन देयर अपॉइंटमेंट, देयर अपॉइंटमेंट मतलब डायरेक्टर्स ऑफ ए, व्हेन देयर अपॉइंटमेंट फॉलोस नेसेसरीली. इसका मतलब है ए के डायरेक्टर की एज अ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट तो होगी होगी, नेसेसरी है, ये जरूरी है. फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर और होल्डर ऑफ एनी ऑफिस इन बी, इसका यही मीनिंग है. उसके बाद सी पॉइंट आता है, बोलता है व्हेन द होल्डिंग कंपनी इटसेल्फ, होल्डिंग कंपनी इटसेल्फ और इट्स अनदर सब्सिडरी या उसकी कोई और सब्सिडरी है holds directorship in A, holds directorship in A. इसका मतलब क्या है कि holding company जो है वो एक person है, तो वो खुद ही A company में director है, या S1 उसकी subsidiary है, वो S2 में director है. S1 जो H की subsidiary है वो S2 में director है. इसका मतलब है holding या उसकी subsidiary ए में अगर डायरेक्टर है तो फिर समझ जाइए कि बी उसकी होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि उसने उसके बीओडी पे कब्जा किया हुआ है, क्योंकि वो खुद वहां डायरेक्टर है. सोचिए, तभी वो बोलता है कि ये जो पावर है हम मानेंगे कब आएगी, जब
बी की कंसेंट के बिना डायरेक्टर्स अपॉइंट और रिमूव नहीं हो सकते या अपॉइंट नहीं हो सकते. दूसरा, अगर आप बी में डायरेक्टर या मैनेजर या ऑफिसर बनते हैं तो डेफिनेटली आपको नेसेसरली ए में भी डायरेक्टरशिप मिलेगा, या फिर होल्डिंग कंपनी या उसकी सब्सिडियरी खुद ही जो है वो डायरेक्टरशिप रखे हुए हैं ए कंपनी में, राइट. तो इस तरीके से समझ आ जाता है कि बी के पास पावर है, और इससे समझ आ जाता है दे हैव कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ पीओडी ऑफ ए, और इससे पता चल जाता है कि वो ए की होल्डिंग कंपनी है. हाँ, ए की होल्डिंग कंपनी है और बी, यही था मेरे ख्याल से. हाँ, कि ए की होल्डिंग कंपनी है, राइट. ए और बी का रिलेशनशिप मैं रिमेंबर ना कर दूं. ओके, फाइन. उसके बाद देखिए, जो कि अब ये तीन सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं हमारे, है ना. अब वो सेकंड सर्कमस्टेंस बता रहे हैं आपको कि और कौन से हालात होते हैं. ध्यान से सुनिएगा, ये है 1960 से पहले का लॉ, ठीक है. तो पूरा समझा देती हूँ. जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट के बराबर होता था, आई रिपीट, कि जितना जो वोट राइट इक्विटी शेयर्स को मिलता था वही वोट राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता था. आज ऐसा नहीं होता. आज पब्लिक कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स को वोट राइट नहीं है, और प्राइवेट कंपनी जैसा चाहे वैसा कर सकती है, राइट. लेकिन पहले दोनों का वोट राइट सेम होता था. तो ये सेकंड सर्कमस्टेंस वही है. कहता है ए विल बी सब्सिडियरी ऑफ बी, सेम स्टोरी है ए और बी की. इफ बी इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ ए, कि जो बी है उसके पास इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ ए. कि ए में जितना भी वोट राइट है उसका आधे से ज्यादा बी के पास है. तो सारे डिसीजन तो बी ले लेगा, आधे से ज्यादा वोट राइट आ गया तो इसलिए फिर बी उसकी होल्डिंग बन जाती है, क्योंकि आधे से ज्यादा वोट राइट बी के पास है. He says A will be subsidiary if B is entitled to exercise control over more than half of total voting power of A, where A is an existing company in respect of which the holders of preference shares, कि A एक ऐसी company है जिसके preference shareholders को issued before the commencement of Companies Amendment Act 1960. ये असली लाइन है कि जो preference shares है वो कब issue हुए थे, 1960 Amendment Act आने से पहले. Had the same voting rights in all respects as the holders of equity shares. इसका मतलब है हम एक उस केस की बात कर रहे हैं जहां पे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को वोट राइट सेम मिलता था. तो ऐसी सिचुएशन में उस कंपनी को देखने के लिए कि वो सब्सिडरी है या नहीं है, हमें टोटल वोट राइट देखना पड़ेगा. अगर टोटल वोट राइट आधे से ज्यादा है बी के पास तो फिर वो उसकी होल्डिंग हो जाएगी, राइट. उसके बाद इसमें ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड केस का, सेकंड सर्कमस्टेंस का. अब इसका सेकंड पार्ट आता है, ठीक है. इसमें वो ये बोलता है कि अगर ए जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ए जो है वो सब्सिडियरी होगी अगर बी के पास मोर देन हाफ टोटल शेयर कैपिटल है ए का. और टोटल शेयर कैपिटल का मतलब मैंने बताया था, that is equity share capital plus convertible preference share capital, right? Convertible preference shares होते हैं जिनको एक स्टेज पे ऑप्शन मिलती है कि वो चाहे तो अपने preference share के पैसे ले ले, या अगर वो चाहे तो अपने preference share के बदले equity share में उसको convert करवा ले, तो फिर वो होते हैं convertible preference shares. जब हम ऐसे preference share issue करते उस वक्त ही हम उनको बता देते हैं कि आपके shares convertible होंगे, एक दिन आएगा जब आप चाहें तो पैसे मिल जाएंगे, आप चाहेंगे तो आपके प्रेफरेंस के बदले हम आपको इक्विटी शेयर्स दे देंगे, राइट. सो ही सेज ए विल बी सब्सिडियरी ऑफ बी इफ बी होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल वेयर ए इज एनी कंपनी अदर देन वन स्पेसिफाइड अंडर वन अबव. इसका मतलब है सेकेंड केस में वो कहता है, फर्स्ट केस को छोड़ के हम बाकी केसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप सब्सिडियरी बनाने के लिए जरूरी है दूसरी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल की आधे से ज्यादा आप ले लें, तब आप उसकी होल्डिंग बन जाएंगे. He says, in other words, B must hold more than 50% of share capital on the basis of nominal capital.
ये लिखती हूँ मैं, वो ये बोलता है कि इसका क्या मतलब है. वो कहते हैं इन अदर वर्ड्स, बी मस्ट होल्ड, बी के पास कितने होने चाहिए, मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल कैपिटल, वॉट एवर मे बी द पिकअप. अब आपको भी पता है नॉमिनल वैल्यू होता है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए उसकी नॉमिनल वैल्यू है, और वो पेड अप मान लीजिए 6 है, तो वो कहते हैं आपको पेड अप के हिसाब से मोर देन हाफ नहीं देखना है. मान लीजिए 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, सब 10 रुपए वाले के हिसाब से नॉमिनल वैल्यू में आसान करने के लिए सेम ले रही हूँ, 1 लाख शेयर्स है, तो आपको आधे से ज्यादा शेयर्स लेने हैं, मतलब 50,001 शेयर्स अगर एक कंपनी बी ने ले लिए तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी. फिर भले पेडअप 2 रुपए हो या 6 रुपए हो या 10 रुपए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जब हम टोटल शेयर कैपिटल बोलते हैं तो वी आर कंसर्न विद द नंबर ऑफ शेयर्स और वी आर कंसर्न विद द नॉमिनल कैपिटल, राइट. अब अगर मान लीजिए किसी की शेयर की नॉमिनल वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर की 10 रुपए है, किसी पर्टिकुलर और क्लास ऑफ शेयर की नॉमिनल वैल्यू 5 रुपए है, 100 रुपए है, तो फिर वो कहता है कि जो टोटल नॉमिनल कैपिटल है उसका आधे से ज्यादा आपके पास होना चाहिए. जैसे टोटल नॉमिनल कैपिटल है 10 करोड़ रुपया, है ना, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स बोल दीजिए. ऐसे ही मैं बोल देती हूँ कि मान लीजिए ₹10 करोड़, ये टोटल नॉमिनल वैल्यू है, तो इसको हम टोटल नॉमिनल कैपिटल बोल देते हैं. तो 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपके पास वैल्यू वाले शेयर्स हैं, 5 करोड़ से ज्यादा वैल्यू वाले शेयर्स आपने ले लिए, तो फिर आप उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाओगे. फिर भले पेड अप कम हो या ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पे तो कर ही दोगे ना पूरा. तो टोटल शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है उसके हिसाब से हमने अंडरस्टैंड करना है, पेडअप के हिसाब से हमने अंडरस्टैंड नहीं करना है. दैट इज व्हाट द सर्कमस्टेंस सेज, ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसने बोला फॉर द पर्पस ऑफ कंडीशन डिस्क्राइबिंग पैरा टू, ये जो अभी चल रहा है, द शेयर्स दैट अ कंपनी होल्ड्स मस्ट बी हेल्ड इन इट्स ओन राइट, कि जो शेयर्स हैं वो उसके अपने हक से होने चाहिए, इन इट्स ओन राइट, कि ये उसके अपने शेयर्स होने चाहिए. ये फिर वही बात आ गई जो मैंने पहले बताया था कि फिड्यूशियरी कैपेसिटी में है तो वो शेयर्स नहीं गिने जाएंगे. लिखा है उसने आगे, कहता है इट मस्ट बी हेल्ड इन इट्स ओन राइट एंड नॉट मियरली इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, दस द शेयर्स हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर एन इंडिविजुअल आर टू बी एक्सक्लूडेड, कि अगर कंपनी ट्रस्टी बन के किसी के बिहाफ पे शेयर्स लिए हुए है जिसका फायदा किसी और इंडिविजुअल को होना है, तो फिर वो शेयर्स इस मोर देन हाफ में इंक्लूड नहीं होंगे. तो ये बात रिपीट हुई है यहाँ पे, तो आसान लगा होगा आई होप आपको. प्लीज इस लेक्चर को 2 बार सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा. पहली बार में आ जाता है आई एम इम्प्रेस्ड, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो 2 बार सुनिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा, ओके. उसके बाद आता है, ये लिखती हूँ मैं लैंग्वेज, कहता है ऑन द अदर हैंड शेयर्स, आसान है समझ आ जाएगा, हेल्ड बाय अनदर पर्सन, टेक्निकल लैंग्वेज है ना इसलिए दिख सिखाना जरूरी है. कहता है हेल्ड बाय अनदर पर्सन एज अ नॉमिनी फॉर द कंपनी, एज अ नॉमिनी फॉर द कंपनी और इट्स सब्सिडरी, शुड बी रिगार्डेड एज बीइंग हेल्ड बाय द कंपनी, ये माना जाएगा कंपनी के पास ही है. कहता है शुड बी रिगार्डेड एज बीइंग हेल्ड बाय द कंपनी. अब देखिए, कहता है कि शेयर्स जो है वो किसी और पर्सन के पास है और वो पर्सन जो है वो नॉमिनी है. किसका नॉमिनी है, कंपनी का या उसकी सब्सिडियरी का? तो फिर वो इस मोर देन हाफ टोटल शेयर कैपिटल में इंक्लूड होंगे. इसको इंक्लूड करके हम देखेंगे कि आधे से ज्यादा हो रहा है या
नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कंपनी ने अपने नाम से शेयर्स लिए या कंपनी के लिए शेयर्स उसके नॉमिनी ने ले रखे हैं, नॉमिनी के पास शेयर्स हैं, तो नॉमिनी के पास शेयर्स हैं, समझो कंपनी के पास शेयर्स हैं, तो उनको कंसिडर करके डिसाइड होगा कि वो होल्डिंग कंपनी है या नहीं है। आई रिपीट द थिंग कि अगर कंपनी ने फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स लिए हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन अगर कंपनी का नॉमिनी बनकर किसी और ने शेयर्स ले रखे हैं तो वो होल्डिंग कैलकुलेट करने के लिए, जानने के लिए कंसिडर किया जाएगा कंपनी के लिए या उसकी सब्सिडरी के लिए, क्योंकि दूसरी कंपनी में मेरी और मेरी सब्सिडरी दोनों के शेयर्स देखे जाते हैं, जिससे डिसाइड होता है कि मैं उस दूसरी कंपनी की होल्डिंग हूं या नहीं, राइट। तो इसलिए उसने ऐसे लिखा कंपनी और इट्स सब्सिडरी। फिर उसके बाद आता है एक और पॉइंट उसने दिया, कहता है वेयर अ कंपनीज ऑर्डिनरी बिजनेस इज मनी लेंडिंग, कहता है किसी कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो मान लीजिए मनी लेंडिंग, वो पैसा देने का काम करते हैं लोन पे, है ना, फाइनेंशियल वर्क है उनका। देन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी हेल्ड एज सिक्योरिटी, दूसरी कंपनी के शेयर्स अगर इनके पास हैं लेकिन वो एज सिक्योरिटी इन्होंने होल्ड किए हुए हैं तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एज सिक्योरिटी इन नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन in a normal business transaction will be or are to be disregarded. Disregarded means unko dhyan nahi diya jayega, unko consider nahi kiya jayega, unko koi importance nahi di jayegi, that is what is disregarded. Ab zara suniye, kehta hai ki kisi company ka ordinary business hi money lending hai, paisa dene ka kaam karte hain. Ab kisi ko loan diya to unhone samne wale ne kuch girvi rakha, तो पता चला उसने कहा जी मैं अपने शेयर्स गिरवी रख देता हूँ, अब समझ आ गया होगा। तो वो जो शेयर्स गिरवी रखे हैं वो एज सिक्योरिटी हो गए, तो फिर इन शेयर्स को होल्डिंग जानने के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है अगर एच लिमिटेड के पास एस लिमिटेड के शेयर्स किसी ने एज सिक्योरिटी रखवा दिए तो इन शेयर्स की हेल्प से हम डिसाइड नहीं करेंगे कि एच एस की होल्डिंग है या नहीं, क्योंकि वो शेयर्स उसके नहीं है, वो उसके अपने राइट में उसके पास नहीं है, वो एस सिक्योरिटी किसी ने उसको दिए हैं क्योंकि उसने किसी को लोन दिया है। इसलिए वो बोलता है ऑर्डिनरी बिजनेस मनी लेंडिंग है, देन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी एस सिक्योरिटी इन अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? मनी लेंडिंग। तो वो कहते हैं उसके अगर ट्रांजैक्शन में अगर एस सिक्योरिटी किसी ने अपने शेयर्स छोड़े हैं तो उन शेयर्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा देखने के लिए कि वो कंपनी उसकी होल्डिंग है या नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ कि अगर एक एच लिमिटेड है, ठीक है, इसका काम मनी लेंडिंग है, ठीक है, और इन्होंने किसी को लोन दिया, सपोज लोन टू मिस्टर एक्स, कितने का भी लोन दिया, अब मिस्टर एक्स ने इनको अपने शेयर्स जो एस लिमिटेड में थे वो एज सिक्योरिटी दे दिए एच लिमिटेड को, समझा? तो एच लिमिटेड एस लिमिटेड की होल्डिंग है या नहीं है इसको देखने के लिए इन शेयर्स को काउंट नहीं किया जाएगा, वो ये कह रहा है। आई होप आप समझ आया होगा। उसके बाद भी एक पॉइंट है, अब ये थर्ड सर्कमस्टेंसेस पे आ गए, तीन सर्कमस्टेंसेस थे ना, अब हम थर्ड सर्कमस्टेंस पे आ गए, जो कहता है अ कंपनी विल बी सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, सिखा चुके हुए मैं आपको, कॉल्ड होल्डिंग कंपनी इफ इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी। इसका मतलब है मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी इज सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, है ना, इज सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, तो मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी, ये सर्कमस्टेंसेस पहले भी बता चुके हूँ, राइट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इससे दिमाग और खुल जाएगा आपका, ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए। वो ये कहते हैं कि ये जो आपके पास कंट्रोल है, दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाती है, ये कंट्रोल आता कैसे है? तो वो ये बोलता है
It may be that by acquiring sufficient share capital of a company, sufficient control may be obtained. ये जो control आपने लिया है दूसरी company में, हो सकता है आपने ये sufficient share capital ली है, इसलिए आपके पास आ गया. More than half total share capital ले लीजिए, ये sufficient हो गई और इसकी वजह से आपके पास control आ गया और इस वजह से आप holding company बन गए, है ना? Sufficient control may be obtained over that company to enable control in the composition of BOD. इसका मतलब है कि आप दूसरे के BOD के ऊपर control करने के लिए उन आपने उस company की share capital ले ली, more than half total share capital ली, जिससे कि आप उनके BOD को control कर पाए, right? But it is also possible to obtain such control. वो कहता है अब इस control को obtain करने का एक और रास्ता है. It is also possible to obtain control in regard to the composition of BOD. कि आप BOD की composition पे control कर सके, इसका एक और रास्ता है. Control किस चीज का कर रहे हैं आप? Composition of BOD. कि दूसरे के जो BOD है, उसके all और majority directors को appoint या remove करने की जो power है आपके पास, ये control आपके पास दो रास्ते से आ सकता है. या तो आप उस company में sufficient share capital ले ले, या फिर आप कोई agreement कर ले. दूसरा ये कंट्रोल आपके पास इस तरीके से आ सकता है कि आप उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर ले, जबकि आपने कोई शेयर नहीं लिया हुआ वहां पे. बोलते हैं ऑब्टेन सच कंट्रोल इन रिगार्ड टू द कंपोजिशन ऑफ बीओडी विदाउट मेकिंग सच एन इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल. इसका मतलब है आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ इस केस में, आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, आगे लिखा है उसने. बोलते सच अ कंट्रोल मे बी द रीजन ऑफ एन एग्रीमेंट, जो मैंने लिखा सच एज, अब वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसा एग्रीमेंट हो सकता है. Where one company may agree to advance funds, कि जो H Limited है, उसने कहा जी ठीक है, we advance funds to you. हम आपको लोन दे देते हैं, हम आपको funds provide कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको एक agreement करना पड़ेगा कि हमें आप power देंगे कि आपके BOD का composition हम control करेंगे. पढ़ती हूँ. बोलता है agree to advance funds to another company and in return कि हम आपको funds advance करेंगे और बदले में in return may under the terms of an agreement, एक agreement के तहत शर्तों के हिसाब से surrender control over the right to appoint all or majority of the BOD. इसका मतलब यही है जो मैंने बोला कि हम आपको advance करेंगे, we will advance funds to you, कि हम आपको S Limited को funds देंगे और in return बदले में आप क्या देंगे, आप एक agreement करेंगे. कैसा agreement? इस agreement की terms के accordingly, इस agreement की terms के accordingly जो H Limited है, it will control the composition of BOD of S. I hope it is clear. कि H Limited ने कहा देखिए हम आपको पैसा देते हैं, बदले में आपका BOD के ऊपर कब्जा हमारा, आपके majority या all directors के appoint या remove करने की power हमारी, अगर आप ये agreement करते हो तो हम आपको funds advance करते हैं. तो H Limited ने कहा okay sir. तो बस इस agreement के basis पे ही H Limited S Limited की holding company बन गई, जबकि H Limited ने एक भी share S Limited में नहीं खरीदा हुआ था. अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जाते जाते आपको पूरी टॉक के बाद कि आप होल्डिंग कैसे बनते हैं. या तो दूसरे के बीओडी पे कब्जा कर लीजिए, एक पावर कि इनके मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव हम कर सकते हैं, या फिर आप आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल ले लीजिए तो फिर आप होल्डिंग कंपनी बन जाते हैं उसकी, राइट? किसी भी एक रास्ते से, राइट? यहाँ पे जाके बेटे मेरे ये टॉपिक खत्म होता है. तो आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. आई थिंक इट वाज अ वेरी हैवी डोज. इसको प्लीज दो बार जरूर देखिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आए, दूसरी बार सुनने से बहुत अच्छा समझ आ जाएगा. वैसे होपफुली पहली बार में भी आना चाहिए क्योंकि मैंने बातों को रिपीट किया है कई दफा, बट स्टिल इफ यू फील लाइक गो फॉर सेकेंड हियरिंग देन यू